हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आज का स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है वो है नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम पहले समझ लेते हैं नैनो का मतलब है क्या। तो स्टूडेंट्स, नैनो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, नैनो मीन्स होता है बहुत ही ज्यादा स्मॉल। कितना स्मॉल अगर हम बात करें तो मीटर से अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो 1 मीटर का 10 to the power -9th जो पार्ट है, उतना जो हिस्सा है उसका, वही स्केल हमारा कहलाता है नैनो स्केल। तो स्टूडेंट्स, नैनो का मतलब ही है बहुत स्मॉल स्केल पे कॉन्फ़िगरेशन पार्टिकल्स का करना, मेटेरियल्स का करना। तो उसकी स्टडी ही हम लोग नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस किस तरीके से एग्जाम में लिखना होगा या क्या पूछा जाता है, तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये नैनो वर्ड जो आया है, ये किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ या इसके पीछे जो आइडिया था वो किसका था। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ये एग्जाम में नहीं लिखना है लेकिन आपको एक ब्रीफ आइडिया रहे कि नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस का जो डेवलपमेंट की बात थी उसके आइडिया दिया था रिचार्ड पी फाइनमैन ने। तो एक अमेरिका में जो उनकी सोसाइटी है, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, उसका एक वहां पर एनुअल मीटिंग का प्रोग्राम चल रहा था जहां पर इन साइंटिस्ट ने एक अपना लेक्चर दिया। उस लेक्चर में उन्होंने क्या बात कही स्पेशली, उन्होंने कहा देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम्स एट द बॉटम। तो ये जो बोला था 29 दिसंबर 1959 को उस सोसाइटी की मीटिंग के दौरान एक लेक्चर में बोला गया था। तो एक्चुअली वो कहना क्या चाहते थे इस सेंटेंस के थ्रू, जो कि बहुत फेमस हुआ क्योंकि बाद में नैनो टेक्नोलॉजी जब आई, नैनो साइंस जब लोगों ने स्टडी करना शुरू किया तो इसको इंपॉर्टेंस वहीं से मिली। या कह सकते हैं कि जो दूसरे साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने इनके इस सेंटेंस को बहुत सीरियसली लिया और नैनो साइंस पर रिसर्च शुरू कर दी। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉक थी, ये स्पेसिफिक टॉक क्या थी, उन्होंने ये कहा था इस टॉक के जरिए कि प्लेंटी ऑफ रूम्स एट द बॉटम का मतलब क्या हो सकता है, कि इमेजिनेशन था कि एक बॉटम पे, कॉर्नर पे बहुत सारे रूम्स को एस्टेब्लिश करना। तो ये एक ऐसा आइडिया था जो कि चेंज कर सकता था, डिफरेंट थिंग्स को कंट्रोल करने के ऊपर था कि भाई आप बहुत सारी चीजों को एक स्मॉल स्केल पर कन्फिगर करिए। तो आपने टेक्नोलॉजीज का नाम भी सुना होगा, जैसे कि आजकल हम देखते हैं अपने हाथ में ही मोबाइल के सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि पहले काफी बड़े साइज के मोबाइल मार्केट में मिलते थे, अब आज के टाइम में मार्केट में बहुत स्मॉल साइज के मोबाइल्स मिल रहे हैं और उनके फीचर्स, फंक्शंस, बहुत सारी चीजें, यानी कि बहुत लार्ज स्केल पे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है स्मॉल स्केल पे, जो कि हम एक टेक्नोलॉजी पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, VVLSI, यानी कि वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसे बोलते हैं, USI भी इसको नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंटीग्रेशन मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम बड़े जो सर्किट्स होते हैं, बड़े जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको स्मॉल स्केल में लेकर के आते हैं। तो इसी तरीके से एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम बहुत सारे मटेरियल्स को, डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल्स को नैनो रेंज में ला सकते हैं, तो उसी टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो शुरुआत हुई थी, ये जो आइडिया मिला था, तो आप लोग जान चुके हैं रिचार्ड पी फेनमैन के जो लेक्चर थे उन्हीं से लिया गया था, साइंटिस्ट ने लिया था। तो बेसिकली नैनो का मतलब क्या है, नैनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है बहुत छोटा, ड्वार्फ, यानी कि बौना जिसे हम लोग कहते हैं। तो आप अगर आप जैसे, मैं यहाँ पे बात कहना चाहूंगा, जैसे कि जो लोग उत्तराखंड से हैं वो इस नैनो वर्ड को बहुत अच्छे से समझते भी होंगे क्योंकि नैनो मीन्स वहां पे बोला जाता है नानू, नानू मीन्स होता है बहुत छोटा। अगर जो लोग उत्तराखंड से हैं वो कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ इसका क्या मतलब है। तो नैनो का मतलब क्या है, यानी कि बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल स्केल। और वो स्केल क्या है, उस स्केल की भी हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर मान लेते हैं कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट आर नैनो मटेरियल्स, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, उसी को हमने यहां पर डिस्कस किया हुआ है। तो नैनो मटेरियल्स नाम में ही आ रहा है, मटेरियल है, और कैसा मटेरियल है, नैनो है, मीन जिसका स्केल कैसा है, 10 to the power -9 की रेंज का स्केल है। मीटर से अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो इसका स्केल कैसा निकल के आ रहा है, 10 to the power -9, बिलियंथ पार्ट है मीटर का। तो यहां पर नैनो मटेरियल्स की डेफिनेशन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं, नैनो मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव एटलीस्ट वन ऑफ देयर डायमेंशन इन नैनो स्केल रेंज। नैनो मटेरियल्स हर उस मटेरियल को हम कह सकते हैं जिसकी 3 डायमेंशन में से एक डायमेंशन, कोई ना कोई एक डायमेंशन कैसी हो, नैनो स्केल रेंज की हो। नैनो स्केल का मतलब क्या है, 10 to the power -9
मीटर वाली रेंज की होनी चाहिए। तो ज्यादातर जो नैनो स्केल्स होती है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में डायमेंशन रखी जाती है ताकि हम उसको नैनो मटेरियल की तरीके से यूज कर सकें। तो स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक और आइडिया दे देता हूँ कि नैनो जो पार्ट है अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं डिफरेंट, तो स्मॉल डायमेंशन को किस तरीके से समझ सकते हैं। तो आपने चार्टिंग पहले भी देखी होगी, सुनी होगी, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, इस तरीके का। यहां तक तो आपने बहुत कॉमनली कई बार कई जगह पे 11th 12th लेवल तक पढ़ा होगा। अगर हम इसके आगे और पढ़ते हैं तो ये भी है फेमटो, ए से सिंबल एटो, जेड से जेक्टो, वाई से योक्टो। ये सिंबल्स और ज्यादा लो लेवल के स्किल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो लेवल है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, जो इस यूनिट में समझाया जाता है, वो कौन सा स्केल है? हमारा नैनो का स्केल है। तो याद रखना है स्टूडेंट, नैनो का मतलब ये है कि अगर हम 1 मीटर के पार्ट करें, छोटे छोटे पार्ट करें, कितने पार्ट करें, इतने पार्ट करें कि वो 10^-9 पार्ट हो जाए। तो ये जो 10^-9 वाला 9 मीटर का जो पार्ट होगा 1 मीटर का, यानी कि बिलियंथ पार्ट जो होगा, वही हमारा नैनो स्केल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक सवाल ये है कि हमें इस नैनो मटेरियल को, नैनो साइंस को, नैनो टेक्नोलॉजी को बनाने की, स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ रही, क्या बेनिफिट है इसका? तो जेड टू ए, इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, इसी पर हम लोग चलिए आइए डिस्कशन करते हैं और समझ लेते हैं। और एग्जाम में भी अगर आएगा कि प्रॉपर्टीज नैनो मटेरियल्स की क्या होती है ऐसी जिसके लिए वो इतने ज्यादा रिसर्च किए जा रहे हैं, तो आइए समझ लेते हैं डिटेल में इसी को। तो स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स, 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, यस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नैनो मटेरियल्स, व्हाई वी स्टडी नैनो मटेरियल्स। तो ऐसा क्या डिफरेंस है जो कि बल्क मटेरियल है, यानी कि बड़े साइज का जो मटेरियल है, और उसी मटेरियल का अगर हम स्मॉल साइज ले जाते हैं, स्मॉल साइज नैनो स्केल पे ले जाते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज में ऐसा क्या अंतर आ रहा है जिससे कि वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बन रहा है? तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को आपको एग्जाम में लिखना है। तो ध्यान देना है सबसे पहले कि उसके 2 रीजन है, किसी भी मटेरियल को अगर हम नैनो मटेरियल कह रहे हैं तो वो खास क्यों बन जाता है, डिफरेंट क्यों हो जाता है बल्क मटेरियल के कंपेरिजन में। तो उसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं। पहली है एसवी रेशियो। एसवी रेशियो कैसा होना चाहिए, हमेशा याद रखेंगे सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हमेशा कैसा होता है नैनो मटेरियल्स का, हाई होता है। दूसरी चीज क्वांटम कन्फाइनमेंट। क्वांटम कन्फाइनमेंट का मतलब है कि उसका जो साइज है, यानी कि जो कुछ प्रॉपर्टी है, बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो 4 प्रॉपर्टी, 4S के थ्रू हमने इसको डिफाइन किया कि साइज, शेप, स्ट्रक्चर और सरफेस करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उन मटेरियल की कैसी हो जाती है, बहुत ही स्मॉल रेंज में, यानी कि नैनो स्केल रेंज में चली जाती है। इसी वजह से ये मटेरियल नैनो मटेरियल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो नैनो मटेरियल्स नॉर्मल मटेरियल से डिफरेंट क्यों है, खास क्यों है, क्योंकि उनका एसवी रेशियो कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो जो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती है, जो मैंने यहां पर लिखी हुई है प्रॉपर्टी, ये डेवलप होने के पीछे रीजन क्या है, हाई एसवी रेशियो, याद रखिएगा हमेशा। और उनकी इन्हीं हाई एसवी रेशियो के कारण कुछ ये प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो एग्जाम में क्या क्या प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपको यही लिखनी है कि नैनो मटेरियल्स में हमेशा लार्जर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता है। नंबर 2, जैसे ही हम इसको, यानी कि मटेरियल को, जैसे हम बात करें सिल्वर की, एल्युमिनियम की, किसी भी मेटल की अगर हम बात करें, उसको अगर हम नैनो रेंज में ले जाते हैं, नैनो स्केल पे ले जाते हैं, तो वो मटेरियल एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसका मतलब क्या है कहने का, जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स। तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स क्या होती हैं कि जिनमें ऐसा मटेरियल, जिन जैकेट को बनाने के लिए यूज किया जाता है जिसमें बहुत हाई स्पीड से आती हुई बंदूक की गोली भी जो है उस जैकेट को पार नहीं कर पाती। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो मटेरियल है जिससे वो जैकेट बनी हुई है वो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग जैकेट है, उसका जो मटेरियल है वो नैनो स्केल में डिजाइन अगर कर दिया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हाई स्पीड से आती हुई बुलेट भी उसको पार नहीं कर पाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम्पल के तौर पर ली जा सकती हैं। नंबर 3 प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नैनो मटेरियल की, जो प्रॉपर्टी
है डक्टाइल की। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करें कि किसी भी मटेरियल को, जैसे अगर हम खींचे, या जैसे कॉपर है, कॉपर को अगर हम कई बार ऐसे तोड़े मरोड़े, यानी कि उल्टा सीधा एल शेप में करें, यू शेप में करें, तो उससे क्या होगा कि वो कॉपर का जो वायर होगा वो टूट जाएगा। लेकिन अगर वही वायर नैनो स्केल पर डिजाइन कर दिया जाए कॉपर मटेरियल को, यानी कि कॉपर का मटेरियल कॉपर ही होगा बट वो नैनो स्केल का होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो कॉपर कितना ही आप मरोड़ लीजिए, कितना ही आपका एल यू शेप कुछ भी बनाइए, वो कभी भी नहीं टूटेगा। मतलब कहने का है कि उसको मैं कितना ही पतला करते चले जाऊं, वायर को और थिन वायर में कन्वर्ट अगर कर दें, तो भी उसमें प्रॉपर्टी होगी डक्टाइल की, यानी कि वो पतला होता चला जाएगा बट वो टूटेगा नहीं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज हम लोग पाते हैं जिसमें नैनो मेटेरियल्स में। नेक्स्ट है कि उनकी जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो हाईली रिएक्टिव हो जाती है, वो डिफरेंट तरीके से, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत ही अच्छी उनकी बन जाती है नैनो मेटेरियल्स की। वियर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज में देखी जाती है नैनो मेटेरियल्स में। वियर रेजिस्टेंस क्या है, यहां पर देखते हैं, इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट मेटेरियल लॉस बाई मैकेनिकल एक्शन। जैसे कि अगर हम बात करें, जंक लगना एक प्रोसेस है कि आयरन को अगर हम रख दें तो नॉर्मली जो एटमॉस्फेयर में प्रोसेसेस होती है उससे उसमें जंक लगना शुरू हो जाता है, या मैकेनिकल एक्शन फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन से हम देखते हैं कि मटेरियल हमारा बहुत तेजी से लॉस होता है। लेकिन अगर वही मटेरियल नैनो स्केल में डिजाइन है तो उसके वही लॉस कैसे हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अगर जैसे एग्जाम्पल की बात करूं टायर, तो टायर क्या होता है, जब रोड पे चलता रहता है तो वो घिस जाता है काफी जल्दी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वही टायर किस चीज से बना, नैनो रबर से अगर बना लिया जाए, यानी कि उसमें ऐसे मटेरियल यूज किए जाए उसको बनाने में जो नैनो रेंज के हैं, तो उस कंडीशन में उन टायर की स्ट्रेंथ कैसी होगी, काफी ज्यादा होगी। हालांकि ये बात अलग है कि जो उनकी कॉस्ट होगी, जो भी प्रोडक्ट नैनो रेंज में बनाए जाते हैं, क्योंकि उनको बनाने के लिए फिर ऐसी मशीनें हमें चाहिए होती हैं जो कि बहुत ही हाई कॉस्ट की आती हैं, तो कंपनी उनके चार्ज भी ज्यादा कर देती है। तो वियर रेजिस्टेंस हम समझ सकते हैं कि एबिलिटी टू रेजिस्ट मटेरियल लॉस। तो हम इसी तरीके से और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप कह सकते हैं, जैसे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलेंगी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आउटस्टैंडिंग देखने के लिए मिलती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो नैनो मेटेरियल्स की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनके कारण ही आजकल मेडिसिन फील्ड में भी नैनो मेडिसिन का पूरा, जो अगर आप देखेंगे इसकी हिस्ट्री और इसके डेवलपमेंट के लिए, तो आज के टाइम में बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो नैनो मेटेरियल्स के फॉर्म में बनाई जा रही हैं। आने वाले टाइम में साइंटिस्ट जो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं नैनो रोबोट्स के फॉर्म में, जो हमारी बॉडी में जैसे कैप्सूल हम लेते हैं, ऐसे ये नैनो रोबोट्स हम लोग खाएंगे और हमारी बॉडी में जो कैंसर सेल्स अगर बन रहे हैं कहीं पर, टिश्यू एक्स्ट्रा एक्सेस हो रहा है, तो उसको डैमेज करेंगे, यानी कि हमारे अच्छे सेल्स को बनाए रखेंगे और बुरे सेल्स जो हमारे बेकार सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको डैमेज करेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी पे वर्क ऑलरेडी, रिसर्च चल रही है। तो टेक्नोलॉजी और साइंस दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ इन बातों से आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। और जो पहले हमारे लेक्चर्स, हमारे बीटेक की अगर हम बात करते हैं और बीएससी की बात करते हैं, तो जो उनमें डिफरेंस है वैसा ही डिफरेंस यहां पर नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में होने वाला है। तो नैनो साइंस, साइंस का मतलब क्या है, साइंस एक स्टडी का फील्ड है, हमारा रिसर्च का फील्ड है, जिसमें हम बेसिकली कंसेप्चुअल फिनोमेना की बात कर रहे होते हैं। जबकि जो टेक्नोलॉजी है हमारी, टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम उसमें टेक्निकल डेवलपमेंट, डिजाइन, स्ट्रक्चर्स, इनके डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। अप्लाइड फील्ड है नैनो साइंस का ही नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि जो नैनो टेक्नोलॉजी का टर्म है, ये सबसे पहले कहां से आया, ये सबसे पहले 19 हमने अभी देखा था 59 की डेट, बल्कि ये आया था 1974 में जापान के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस नैनो टेक्नोलॉजी के वर्ड को सबसे पहले अपने रिसर्च पेपर में कोट किया था, तो वहीं से इसका डेवलपमेंट हुआ था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कमेंट में उन साइंटिस्ट का नाम ढूंढ के बताना है कि किन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का टर्म दिया था। और हाँ, एक और क्वेश्चन जो आप थोड़ा सा खोजेगा कि इंडिया में सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था, इंडिया में कब से इसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये सब सारी चीजें नॉलेज का पार्ट है, बट ये एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन हाँ जब आप इसको खोजेंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चन गूगल पर और भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि अगर एग्जाम में लिखना होगा
तो यहां पर हमारे दो तीन क्वेश्चन दो दो नंबर के हो चुके हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल एग्जाम में आ सकता है। तो 2 मार्क्स में अगर आ रहा है तो आप ये प्रॉपर्टीज लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ऐड होकर आ रहा है तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को और डिटेल में आप लोग लिखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ नैनो मटेरियल, तो क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि स्मॉल स्केल में अगर हम जाते हैं तो हमें ये कुछ प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलती हैं जो यहां पर लिखी है। तो इनडायरेक्टली सिग्निफिकेंस में भी प्रॉपर्टी का ही आपको वहां पर पूरे जो पॉइंट है वो एक्सप्लेन करने रहेंगे। तो स्टूडेंट आई थिंक यहां पर आप समझ चुके होंगे कि नैनो मेटेरियल बल्क साइज से, उसी मेटेरियल का अगर बल्क साइज है तो उससे उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों हो रही है। एक एग्जाम्पल आप खुद से भी कर सकते हैं कि नैनो में जाने पर जैसे चेंज क्या क्या होता है। जैसे आप मोबाइल से फोटो खींचिए, ठीक, उस फोटो को कंप्यूटर पर अगर आप देखते हैं जूम करके, ठीक है, क्योंकि मोबाइल पर तो बहुत ज्यादा जूम डिपेंड करता है कि आपके पास किस टेक्नोलॉजी का मोबाइल है। अगर ज्यादा एक्स जूम आप कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, तो वहां भी आप देखेंगे या पाएंगे कि जब जो कलर हमें नॉर्मल फोटो में दिखाई पड़ रहा है, जूम करने पर यानी कि और उसके स्मॉल रेंज में जाने पर उसका कलर भी चेंज हो जाता है। मींस कहने का यह है कि नैनो स्केल रेंज पे जैसे ही हम जाते हैं तो प्रॉपर्टीज जो होती है मटेरियल की वो चेंज होने लगती है। तो आप ये करके देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि मान लेते हैं कि कोई रेड कलर की चीज है तो वो आपको हो सकता है ब्लैक कलर दिखाई दे रही हो या ब्लू कलर दिखाई दे रही हो, डिपेंड करेगा कि आपने वो किस चीज का फोटो लिया हुआ है। तो आप देखिएगा इसको करके। तो यहां पर अब हम समझ लेते हैं कि एग्जाम में अगर ये आ रहा है तो 2 नंबर में या लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो कैसे लिखेंगे आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, नैनो साइंस अगर एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए क्या है तो हम क्या पॉइंट लिखेंगे। तो पहली लाइन इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रही है कि द स्टडी ऑफ नैनो स्केल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स, तो उन मटेरियल्स की स्टडी करना जो कि नैनो स्केल रेंज में हो। तो सभी मटेरियल्स जिनको हम नैनो स्केल में स्टडी करें, नैनो स्केल में ले जाए, यानी कि 1 बिलियंथ पार्ट अगर हम जैसे मीटर की बात करते हैं तो 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ मीटर की स्टडी कर रहे हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम देख रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या है, नैनो साइंस का ही पार्ट है। तो नैनो साइंस में बेसिकली हम लोग थ्योरेटिकल मॉडलिंग करते हैं नैनो पार्टिकल्स की। तो नैनो पार्टिकल्स होते क्या है, अभी हमने डिस्कस भी किया कि 3 डायमेंशन में से, जैसे 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, तो कोई भी एक अगर डायमेंशन नैनो रेंज में है, नैनो स्केल में है, तो उस कंडीशन में वो पार्टिकल नैनो मटेरियल है, नैनो पार्टिकल है, उसकी थ्योरेटिकल मॉडलिंग करना ही नैनो साइंस में आता है। इसके अलावा नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर्स विद एटलीस्ट 1 डायमेंशनल बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। तो कोई एक डायमेंशन भी अगर नैनो स्केल की है, तो ऐसा नहीं है कि तीनों की तीनों स्केल नैनो होने चाहिए, तो कोई एक भी डायमेंशन, जैसा कि मैंने यहां पर इसकी डेफिनेशन में भी बताया कि कोई एक डायमेंशन भी अगर नैनो रेंज की है तो उसके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसके बिहेवियर, उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मटेरियल की क्या चेंज होती है, इन सबकी स्टडी ही हमारी कहलाती है नैनो साइंस। तो जब हम नैनो साइंस की स्टडी करते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मटेरियल तक ही सीमित रहती है, उसके कई सारे और आगे एक्सटेंशंस होते हैं। तो जैसे कि अगर हम नैनो साइंस स्टडी करते हैं तो नैनो साइंस के फर्दर बहुत सारे फील्ड हैं स्टडी करने के लिए जो कि नैनो साइंस का ही पार्ट है। जैसे नैनो है क्या, नैनो एक प्रीफिक्स है, तो जिस भी टर्म के आगे हम नैनो लगा रहे हैं तो वो नैनो साइंस में स्टडी करने के लिए हमारा अवेलेबल हो जाता है। जैसे नैनो केमिस्ट्री, नैनो मटेरियल्स, नैनो मेडिसिन, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो बायोलॉजी, तो डिफरेंट फील्ड्स जो हमारे साइंस के ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं, उनकी नैनो स्केल में जाकर के अगर हम स्टडी करें, रिसर्च करें, उनमें देखें कि क्या चेंज आ रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज है उसकी स्टडी करें, उसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आ रहा है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आ रहा है, ये सारी चीजों की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, नैनो साइंस कहलाता है। तो ये सारी चीजें जितनी भी लिखी हुई है उन सबको हम एक सिंपल वर्ड में अगर बात करें कि सिंथेसिस और करेक्टराइजेशन। तो नैनो मटेरियल्स की स्टडी में बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि नैनो स्केल, जैसे किसी भी बल्क पार्ट को हम नैनो में ले जाना चाहते हैं तो उसको ले जाते किससे, उसके लिए उसकी डिफरेंट सिंथेसिस
टेक्निक्स हमें करनी पड़ती हैं। तो जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, सीवीडी टेक्निक है, सोल्जर मेथड है, तो ये क्या है इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो और प्लस उनके कैरेक्टराइजेशन, फिल्म को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसकी जो टेक्निक्स डेवलप हो चुकी है उनकी स्टडी करना, उनमें और रिसर्च करना, ये सब सारी चीजें ही हमारा किसका पार्ट है, नैनो साइंस का पार्ट है। तो स्टूडेंट आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग कि नैनो साइंस अगर एग्जाम में आएगा तो किस तरीके से डिटेल में उसको लिखा जा सकता है। अब हम समझ लेते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या पार्ट है। तो नाम से ये क्लियर है, वैसे तो साइंस और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मीन्स सिंथेसिस वाली चीजों से ही जो मिली चीज उसका नया, उससे डिजाइन बनाना, उससे नए डेवलपमेंट करना, उसके एप्लीकेशंस करना, प्रोडक्शन करना, किसी नई चीज को बनाना, उन मटेरियल्स का यूज करके कोई नई चीज बना देना, वो सब नैनो टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो एग्जाम में क्या क्या पॉइंट्स लिखने होंगे इनको आप कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं और डेफिनेशन वाइज भी लिख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के क्या पॉइंट्स होंगे। सो स्टूडेंट्स नैनो टेक्नोलॉजी में क्या लिखेंगे एग्जाम में, तो वो यहां पे मैंने लिखा है कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में। तो नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, टेक्नोलॉजी जहां भी अप्लाई होती है, जहां भी हमको लिखना होगा तो वो एप्लीकेशन है, अप्लाइड पार्ट है, प्रोडक्शन का पार्ट है, डेवलपमेंट का पार्ट है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज द डिजाइन सिंथेसिस करेक्टराइजेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ मेटेरियल्स एंड डिवाइसेस ऑन द नैनो स्केल। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम डिजाइन कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं, मटेरियल्स का करेक्टराइजेशन कर सकते हैं। किस चीज के लिए करेंगे ये सारी चीजें, फॉर द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द मटेरियल्स एंड डिवाइसेस ऑन द नैनो स्केल। तो हम नैनो स्केल में ही इनका एप्लीकेशन करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इन मेथड्स के थ्रू जब भी करेंगे तो ये पार्ट नैनो टेक्नोलॉजी में ही कवर होता है। इसके अलावा नैनो मटेरियल्स का यूज करके, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं, दे कैन बी मेड स्मॉलर एंड वी कैन इनहेंस द प्रॉपर्टीज लाइक इलास्टिसिटी, स्ट्रॉन्गर मटेरियल्स की, यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो भी हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की, वो सारी प्रॉपर्टीज हम क्रिएट कर सकते हैं, हम स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं मटेरियल्स को। तो नैनो टेक्नोलॉजी ही वो फील्ड है जिसके थ्रू ये सारा काम किया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आज के टाइम में जो नैनो टेक्नोलॉजी को इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है या इतनी ज्यादा ये पॉपुलर हो रही है टेक्नोलॉजी, क्यों हो रही है, बिकॉज इट कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विद इंप्रूव्ड करेक्टरिस्टिक्स। तो जितने भी मार्केट में नए प्रोडक्ट मिलते हैं, हम क्या देखते हैं कि जो पहले स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी आई वो काफी कॉस्टली थी, फिर जैसे जैसे और नैनो स्केल पे हम गए, चीजों को हमने छोटा किया, तो उसकी कॉस्ट भी इफेक्ट आई, उसका साइज भी छोटा हुआ, कॉम्पैक्ट चीज मिली। तो ये जैसे हमने कंप्यूटर्स की बात करते हैं, सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है मोबाइल है, कंप्यूटर है, सबसे ज्यादा इन्हीं का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ रहा है। तो इनमें जो टेक्नोलॉजी आ रही है डे बाय डे, वो नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की ही देन है। साइंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ध्यान से समझिएगा। तो यानी कि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, साइंस में स्टडी करना है उन्हीं चीजों की, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई उनकी भी स्टडी हम साइंस में कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी क्या है, साइंस का ही एप्लीकेशन है, अप्लाइड पार्ट ऑफ नैनो साइंस ही है। तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो इसलिए जब भी हम नैनो साइंस पढ़ेंगे या कहीं पे भी आप डेफिनेशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें टर्म इनडायरेक्टली इंक्लूड हो ही रहा होगा नैनो टेक्नोलॉजी का। तो यहां पर एक बात, एक लाइन में अगर हमें कहनी हो कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, तो इस बात को हम कह सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ नैनो साइंस। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो साइंस का ही एप्लीकेशन है, जिससे कि हम नए प्रोडक्ट बना सकें, डिवाइसेस बना सकें, ये सारी चीजें ही हमारा किसका पार्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी का। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि नैनो साइंस क्या है और नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। तो एग्जाम में 2 मार्क्स में या शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप डिफरेंस भी दे सकते हैं। तो इस लेक्चर से आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स का भी आइडिया मिल गया होगा, लेकिन लास्ट में कमेंट में आप जरूर लिखें जो मैंने अभी आपसे बीच में क्वेश्चंस पूछे कि नैनो टेक्नोलॉजी का जो टर्म था, सबसे पहले अभी मैंने आपको हिंट दी थी कि जापान के एक साइंटिस्ट ने 1974 में इसको बताया था अपने पेपर के थ्रू, उनका नाम ढूंढना है, दूसरा इंडिया में बताना है कि सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी किसने यूज
यूज करी थी, या कह सकते हैं कि फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इंडिया में कौन है। ठीक है, तो वैसे हम देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी बहुत पुराने टाइम से, इसका एक्चुअल में कौन है, जैसे साइंटिस्ट लोग तो मानते हैं भाई कि रिचर्ड पी फेनमैन थे, मगर हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इंडिया में नैनो तो बहुत पहले से यूज हो रही है, वैदिक काल से बात करें या हम अपने पुराने शास्त्रों को देखें, ग्रंथों को देखें, हर जगह कहीं ना कहीं लिंक ऐसा हमें मिलता है जिससे कि ये पता लगता है कि इंडिया में नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी तो पहले से ही यूज हो रही है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कौन है इसका असली में फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी का, बल्कि आपको बस ये बताना है कि जो अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स, जो हमारे डिफरेंट रिकॉर्ड्स है रिसर्च में जो यूज किए जा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग कौन फादर है इंडिया में, इसको बताइएगा सर्च करके। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, जल्द मिलेंगे इसी नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी सीरीज के अगले लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।